पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक पिता अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है और पत्नी 7 जन्म तक अपने पति के साथ रहने का वादा करती है, लेकिन जब ये दोनों ही रिश्ते खूनी हो जाए तो समाज कलंकित हो जाता है। हम अक्सर नाट्य रूपांतरण में बेटे द्वारा बाप और पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या की कहानी देखते आए हैं, लेकिन आज इस कहानी की हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना इलाके के जैतपुर पट्टी का है, जहां माँ बेटे ने अपनी ही भाभी को झूठे मुकदमे में फंसाने के चक्कर में अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल मृतक मुश्ताक पुत्र गुलजारी अपने बड़े बेटे की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी शबाना को आर्थिक मदद देता था, जिससे मुश्ताक का बेटा निजामुद्दीन और उसकी पत्नी शकीला खफा थी। कहा जा रहा है कि मुश्ताक ने अपनी बहू को दूसरे मकान का एक हिस्सा भी दे दिया था। शबाना ने हाल ही में अपने देवरों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कराया था। 13 सितंबर को अचानक घर में मुश्ताक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर पर लूटपाट करके परिवार की मुखिया की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का पुत्र निजामुद्दीन लगातार हत्या का आरोप अपनी भाभी और उसके परिजनों पर लगा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में जांच की तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। 2022 को करीब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के लगभग पुलिस को थाना कुंदरकी में सूचना मिली कि उनके जो बेटे थे रियाजुद्दीन, उन्होंने सूचना दी कि उनके पिता की, उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव का मुआयना किया और फॉरेंसिक टीम बुलाई। उसके बाद में हमने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निजामुद्दीन था, और उनकी माता जिनका नाम है शकीला, और उनकी जो निजामुद्दीन की वाइफ है उनसे पूछताछ की, तो सबके बयानों में विसंगता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे, तो हमें वहीं डाउट हुआ क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, तो कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निजामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी जी शबाना, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ कि ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक घर वालों पर ही गया क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई, जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने उस घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था, वहाँ पे जो बाईपास है कुंदर की बाईपास, तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराना वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निजामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी, और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक दिन से 2 निशाने हो जाए, कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निजामुद्दीन, उसकी माँ और निजामुद्दीन की वाइफ। निजामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई थी। तो इसने, निजामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कमरा बंद किया।